हेलो दोस्तों, वेलकम टू शीट मैट्रिक। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स को गूगल सीट में हम लोग बना सकते हैं, गूगल सीट में ट्रैक कर सकते हैं विथ ऑल दिस पैरामीटर्स, ओपन हाई लो, लास्ट ट्रेडेड प्राइस चेंज, 52 वीक हाई लो, लास्ट ट्रेडेड टाइम वॉल्यूम, रिलेटिव बार ऑफ द वॉल्यूम एंड पिछले कुछ दिनों का वॉल्यूम चार्ट और पिछले कुछ दिनों का प्राइस चार्ट, और ये डायनेमिक भी है, जैसे ये 20 डेज वॉल्यूम चार्ट और ये 30 डे प्राइस चार्ट, तो ये अपडेट हो जाएगा। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ETF क्या होता है। तो ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, सो दिस इज ट्रेडेड ऑन एक्सचेंजेस एंड इट इज काइंड ऑफ अ मिक्सचर ऑफ बोथ अ स्टॉक एंड म्यूचुअल फंड। तो जैसे स्टॉक का प्राइस आपको हर एक सेकंड चेंज होता है, उसी तरीके से ETF का प्राइस भी हर एक सेकंड चेंज होता है और आप इसको कभी भी बेच सकते हो, अनलाइक म्यूचुअल फंड्स जिसमें आपको एक दिन का सिंगल प्राइस ही मिलता है। साथ ही साथ म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो हायर एंड पे होता है जबकि ETFs का एक्सपेंस रेशो यूजुअली कम होता है। तो और सारे ETFs में कुछ अंडरलाइंग एसेट होते हैं जिसको ट्रैक करता है, जैसे ये सिल्वर है, सिल्वर बीज है, तो ये इसका जो पीछे का जो इंस्ट्रूमेंट इसमें ट्रैक किया जा रहा है वो सिल्वर है, ये गोल्ड ETF है। तो ये सारी कंपनी अपना अलग अलग ETF लॉन्च करती है, जैसे आदित्य बिरला सन लाइफ सिल्वर ETF, निपॉन इंडिया सिल्वर ETF जिसका कोड ये सिल्वर 20 है। तो अगर हम लोग NSE की वेबसाइट पे जाएं तो आप मार्केट डेटा में जब जाओगे तो मार्केट डेटा में आपको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स मिलेगा जिसमें ये यहाँ पे 199 ETF लिस्टेड है जिसमें उसका नाम, ओपनिंग हाई लो एटसेट्रा यहाँ पे मेंशनड है। तो हम लोग इसी टेबल को रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे और कुछ फील्ड्स एक्स्ट्रा भी बनाएंगे। ये जो वीडियो है ये एक हमारे ही व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट किया था जब हम लोगों ने गूगल फाइनेंस का वीडियो बनाया था कि कैसे हम लोग लाइव प्राइसेस किसी स्टॉक का फेच कर सकते हैं, हिस्टोरिकल प्राइसेस कैसे फेच कर सकते हैं किसी भी शेयर का। तो एक व्यूअर ने रिक्वेस्ट किया था कि एक वीडियो आप ETF को कैसे गूगल सीट में ट्रैक कर सकते हैं पे बनाइए, तो ये वीडियो उसी रिक्वेस्ट के अगेंस्ट में बनाया जा रहा है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं देन प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग बिकॉज दैट मीन्स अ लॉट टू अस एंड इट हेल्प्स आर वीडियोज टू गो टू द राइट ऑडियंस वेरी क्विकली। तो इस शीट को हम लोग बिल्कुल स्क्रैच से बनाएंगे, बिल्कुल एक प्लेन शीट लेंगे। साथ ही साथ मैं आपको इसका टेम्पलेट भी दे दूंगा अगर आप कमेंट करके रिक्वेस्ट करोगे तो, बट द फाइल दैट आई विल गिव यू वुड बी अ व्यू ओनली फाइल, मतलब उसमें आपको सिर्फ व्यू राइट्स होंगे। तो आपको क्या करना है, आपको जैसे ही आप वो फाइल खोलेंगे तो आपको फाइल पे जाना है और मेक अ कॉपी करना है, फिर आप उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बिल्कुल स्क्रैच से बनाएंगे और अगर आप गूगल सीट के एडवांस यूजर नहीं है फिर भी आपको घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि मैं सारे फॉर्मूलेज आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा और साथ ही साथ कोई रिलेवेंट वीडियोज होगा उसका लिंक एनीवेयर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये शीट बनाने के लिए यहाँ पे जो जो चीजें मैंने ले रखी है तो उसका हेडर बिल्ड कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ से हेडर को कॉपी कर ले रहा हूँ, तो ये मैंने कंट्रोल सी किया, ये कंट्रोल शिफ्ट वी किया, तो यहाँ पे ये मेरे हेडर्स हो गए। ठीक है, उसके बाद मुझे सारे यहाँ पे सिंबल लिखने पड़ेंगे क्योंकि जो फंक्शन हम लोग यूज करेंगे दैट वुड बी अ गूगल फाइनेंस फंक्शन। तो गूगल फाइनेंस फंक्शन फेचेस सिक्योरिटीज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम गूगल फाइनेंस और इसके काफी सारे पैरामीटर्स हैं और इसके यूज करने का तरीका है। तो आपको टिकर पास करना पड़ेगा, एट्रीब्यूट पास करना पड़ेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो एक बार हम लोग ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन इसके बारे में देख लेते हैं, मैं इसका भी लिंक आपको दे दूंगा। जैसे द फर्स्ट पैरामीटर इज टिकर, सेकंड पैरामीटर इज एट्रीब्यूट। ये जो आपको पैरामीटर्स स्क्वायर ब्रैकेट्स में दिख रही हैं वो ऑप्शनल पैरामीटर होता है, तो टिकर आपको पास करना जरूरी है। तो टिकर क्या होता है, आपको एक्सचेंज के नाम के साथ जो भी आप इंस्ट्रूमेंट है आपका, अगर शेयर है तो शेयर, ETF है तो ETF, उसका कोड आपको यहाँ पे पास करना है इस तरीके से, जैसे इन्होंने NASDAQ गूगल का एग्जाम्पल ले रखा है। तो अपन NSE से फेच करेंगे और वो सारे सिम्बॉल्स ETF के लिखेंगे। उसके बाद एट्रीब्यूट काफी सारे हो सकते हैं, तो जैसे प्राइस, प्राइस ओपनिंग, ये मैं आपको समझाता हूँ। तो शीट पे आ जाते हैं एक बार, तो जैसे सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं ये लूँ HDFC लो वॉल, ये हो गया सिंबल, ये सिंबल मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, इसका हम लोग नेम और ओपनिंग प्राइस फेच करने का कोशिश करते हैं। तो आप क्या करना है, इक्वल टू गूगल फाइनेंस और ये जो टिकर है, टिकर में आपको एक्सचेंज का नाम डालना पड़ेगा और चूंकि यह स्ट्रिंग है तो इसलिए मैंने इसको डबल कोट्स में लिखा है। और उसके बाद आपको ये जो कोड है HDFC लो वॉल वो टाइप करना है, तो ये हो गया, तो ये आपका टिकर हो गया। ठीक है, एट्रीब्यूट, तो यहाँ पे मैं इसका नेम लाने का कोशिश कर रहा हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पे नेम लिख रहा हूँ।
ये जो थर्ड और फोर्थ एंड फिफ्थ पैरामीटर है, ये हिस्टोरिकल डेटा जब आपको फेच करना होता है किसी सिंगल इंस्ट्रूमेंट का तो उस समय काम आता है, बट अभी हम लोग लाइव इन्फॉर्मेशन फेच कर रहे हैं तो इसलिए हम लोग सेकेंड थर्ड फोर्थ पैरामीटर नहीं पास करेंगे, एंड सिंस दीज आर इन स्क्वायर ब्रैकेट्स ये मैंडेटरी भी नहीं है। तो ये तो इसका नाम आ गया। उसी तरीके से अगर इसका ओपनिंग प्राइस लाना है हमें, तो ओपनिंग प्राइस के लिए क्या करना पड़ता है, द प्राइस एज ऑफ मार्केट ओपन, उसके लिए आपको प्राइस ओपन एट्रीब्यूट में पास करना पड़ेगा। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ कि इस फॉर्मूले में तो मैंने सब कुछ हार्ड कोड कर रखा है, यहाँ पे मैं आपको सारा सेल रेफरेंस करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो टिकर है, टिकर के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कॉन्कैटनेट क्या करता है कि ये दो स्ट्रिंग्स को जोड़ता है। तो पहला स्ट्रिंग तो मेरा जो है वो NSC एंड देन ये कॉलम, और उसके साथ फिर इसको मैं इसके साथ जोड़ देता हूँ। तो ये मेरा HDFC लो वॉल ये यहाँ पे आ गया। तो अगर मुझे ओपनिंग प्राइस चाहिए, सो इक्वल टू गूगल फाइनेंस, टिकर मेरा यहाँ पे है तो इसको मैं इससे रेफरेंस कर दे रहा हूँ, और एट्रीब्यूट मेरा प्राइस ओपन है क्योंकि मुझे ओपनिंग प्राइस चाहिए। तो ये मेरा ओपनिंग प्राइस आज का दे दिया 18, जो कि आप देख सकते हो यहाँ भी 18 है, राइट। साथ ही साथ ये मैंने हार्ड कोड की जगह इसको भी मैं रेफरेंस कर देता हूँ, तो ये मैंने यहाँ पे प्राइस ओपन लिख रखा है तो इसको मैंने यहाँ पे रेफरेंस कर दिया, ठीक है। तो चूंकि ये सीट हम लोग जो बनाएंगे उसमें हम लोग ये पूरा ट्रैक करेंगे, तो यहाँ पे 199 सिंबल्स हैं, तो ये मैं CSV डाउनलोड कर लेता हूँ और इसके सारे सिंबल्स मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और ये मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये मेरे सारे सिंबल्स आ गए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो टिकर है, टिकर को मैं ये इसको कंट्रोल डी कर रहा हूँ, तो मेरे सारे जगह टिकर आ गए। नेम ओपन हाई लो ये सब लाना है मुझे, तो ओपन के लिए तो प्राइस ओपन होता है, हाई के लिए हाई होता है, लो के लिए लो होता है, तो ये सब सारा मैंने यहाँ से लिख रखा है। तो ये मैं आपको यहाँ से सीधा सीधा कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसको भी मैं सेल रेफरेंसिंग कर देता हूँ। तो ये द फर्स्ट पैरामीटर इज टिकर विच वुड बी, एंड सेकेंड पैरामीटर वुड बी नेम, जो कि यहाँ पे होना चाहिए, मैंने नहीं लिख रखा है, तो नेम लिख दिया मैंने। तो ये यहाँ पे इसका नाम आ गया। मुझे ये जो है वो सब के लिए बिल्ड करना है, ये मुझे यहाँ वॉल्यूम तक लाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का यूज करूँगा, मतलब लॉक करूँगा इन सबको, सो दैट आई कैन ड्रैग इट टुवर्ड्स राइट एज वेल एज टुवर्ड्स बॉटम। तो सबसे पहले ये जो B3 है, तो इसमें मैं कॉलम B को लॉक करना चाहूँगा, तो ये हो गया B, वाइल इन C1 आई वुड बी लॉकिंग द रो नंबर 1, तो ये हो गया। अब इसको मैं इधर की तरफ ड्रैग कर देता हूँ वॉल्यूम तक, ये आप देख लीजिए वॉल्यूम जो है 148904, तो ये डेटा सही है। अब मैं एक चीज और कर देता हूँ, बिकॉज बी वुड बी डूइंग लॉट ऑफ राइट एंड लेफ्ट, तो इसको मैं ऐसा व्यू ठीक कर लेता हूँ। तो अब ये यहाँ पे हो गया, यहाँ तक वॉल्यूम तक हो गई बात। तो अब इसको मैं नीचे की तरफ ये सारे को ड्रैग कर लेता हूँ, तो कंट्रोल डी, तो ये हमारे पास ये पूरा डेटा रेडी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब एक हमें वॉल्यूम बार बनाना है, और पिछले 20 दिनों का वॉल्यूम चार्ट और 30 दिनों का प्राइस चार्ट, साथ ही साथ हमने इसको डायनेमिक भी रखा था, तो ये मैं बनाता हूँ। उससे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, मैं इन सब को थोड़ा सा ग्रुप कर लेता हूँ एक साथ, सो दैट वी शुड बी एबल टू सी ऑल दिस इन अ सिंगल स्क्रीन वेरी क्लियरली। अब ये ठीक है, तो ये जो HDFC निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी 30 ETF है, तो इसका मैं रिलेटिव वॉल्यूम बार बनाना चाहता हूँ, मतलब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ये जो 199 ETFs हैं इसमें किस में सबसे ज़्यादा एक्टिविटी है, किस में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग स्पार्कलाइन फंक्शन का यूज करेंगे। स्पार्कलाइन फंक्शन क्या करता है, एक मिनिएचर चार्ट क्रिएट कर देता है विद इन अ सिंगल सेल, तो इक्वल टू अ स्पार्कलाइन, और इसमें मुझे इस वैल्यू की एक चार्ट बनानी है जो कि रिलेटिव होगी विथ रिस्पेक्ट टू ऑल द वैल्यूज इन कॉलम n। तो ये तो मेरी वैल्यू हो गई, तो ये डेटा हो गया, और उसमें फिर आप जो ये सेकंड पैरामीटर है, इससे आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आपका चार्ट कैसा होगा, क्या दिखेगा। तो ये मैं कॉपी कर लिया यहाँ से चार्ट टाइप बार, तो मैं एक बार चार्ट चाहता हूँ जिसकी मैक्सिमम वैल्यू, इन्होंने 50 लिख रखा है, बट लेट मी चेक व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू वी हैव ओवर हियर। तो इसका मैक्स वैल्यू देख लेते हैं, तो द मैक्सिमम वैल्यू इज 2071.6835, बट माय मैक्सिमम वैल्यू शुड बी दिस, ओके।
बट अभी आप देखोगे कि ये बार काफी छोटा हो गया है, बट ये जो मैंने यहाँ पे हार्ड कोड किया है, दिस इज ऑल्सो नॉट राइट, बिकॉज दिस वॉल्यूम इज अ डेली चेंजिंग थिंग, राइट? डेली एंड एवरी मोमेंट दिस वुड बी चेंजिंग, एंड दिस वुड बी दिस शीट वुड गेटिंग अपडेटेड, ऑल दिस वैल्यूज विल गेट अपडेटेड. सो आई वॉन्ट दिस ऑल्सो टू बी डायनेमिक. तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो मैंने ये मैक्स लिखा है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे जो मैक्स वैल्यू है उसको भी मैं ये कर देता हूँ, और इसको मैं लॉक कर देता हूँ बिकॉज आई नीड टू ड्रैग इट टुवर्ड्स बॉटम. अब इसको मैं नीचे की तरफ ड्रैग कर देता हूँ, तो ये चार्ट बन रहा है. तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे सबसे ज्यादा यहाँ गोल्ड बीज, गोल्ड इज ऑलमोस्ट एट ऑल टाइम हाई, तो गोल्ड में काफी ज्यादा गोल्ड बीज में ट्रेडिंग एक्टिविटी है. ये निपॉन इंडिया गोल्ड है, एक्सिस गोल्ड है, तो ये आप यहाँ से देख सकते हो. सिल्वर मेटल में काफी तेजी है, तो सिल्वर बीज में काफी ज्यादा वॉल्यूम काम हो रहा है. ये तो हमारा हो गया वॉल्यूम बार. उसी तरीके से अब हम लोग क्या करना चाहते हैं कि 20 डेज का वॉल्यूम चार्ट और 30 डेज का प्राइस चार्ट भी बिल्ड करना चाहते हैं, साथ ही साथ ये डायनेमिक भी हो. तो इसके दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीका बताता हूँ. फर्स्ट इज द कस्टम नंबर फॉर्मेट. उसमें कस्टम नंबर फॉर्मेट में आप क्या कर सकते हो कि आप इस सेल में जो P2 में जो वैल्यू है, ये एक नंबर होगा, बट जो इसका डिस्प्ले होगा दैट डिस्प्ले वुड बी अ नंबर प्लस टेक्स डिस्प्ले करेंटली. बट इफ यू विल सी इट ओवर हियर, इसको मैं अगर यहाँ पे 30 करूंगा तो ये 30 हो जाएगा और ये चेंज हो जाएगा, राइट? सिमिलरली हियर. तो ये कस्टम नंबर फॉर्मेट के थ्रू किया जाता है. तो इसके लिए क्या करना है, हमें फॉर्मेट में जाना है एंड देन गो टू फॉर्मेट एंड देन गो टू कस्टम नंबर फॉर्मेट. ठीक है, ये पहले से मैंने बना रखा था तो इसलिए यहाँ पे आ गया, नहीं तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आप यहाँ पे लेट से ये हैज अ स्टैंड फॉर कि कितने नंबर्स आपके आने हैं, तो ये लेट से 4 डिजिट तक का हमने कर दिया है, और इतना दिन का वॉल्यूम चार्ट. स्पेलिंग बस थोड़ा सा चेंज करता हूँ. तो 20 डेज वॉल्यूम चार्ट ये मैंने कर दिया, तो अब मैं इसको 30 कर सकता हूँ. अब मुझे क्या करना है कि इसका जो वॉल्यूम के लिए मुझे 30 डेज का वॉल्यूम एटलीस्ट चाहिए, सो दैट आई कैन प्लॉट दैट इनटू अ सिंगल सेल. तो इसके लिए हम लोग गूगल फाइनेंस का जो है हिस्टोरिकल वैल्यूज कैसे फेच करते हैं उस फीचर का यूज करेंगे. मैंने इसके बारे में वीडियो बना रखा है, आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हो, या फिर जो प्लेलिस्ट है जिसमें मैं गूगल फाइनेंस फंक्शन के बारे में बात करते रहता हूँ वहां से भी आप देख सकते हो. तो इसके लिए सबसे तो गूगल फाइनेंस फंक्शन का यहाँ पे देखिए पहला पैरामीटर टिकर, ये रहा टिकर. एट्रीब्यूट मैं ऑल उठा रहा हूँ, तो इससे क्या होगा कि आपका ओपन क्लोज वॉल्यूम एटसेट्रा 5-6 आ जाते हैं, और स्टार्ट डेट लेट से 30 दिन पहले का मैं लाना चाहता हूँ, तो ये टुडे -30 एंड ये एंड डेट इज टुडे. ठीक है, ये मुझे डेटा आ गया, ये HDFC लो वॉल जो ETF है उसका डेटा है, बट मुझे इंटरेस्ट सिर्फ वॉल्यूम में है, विच इज फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, विच इज इन सिक्स्थ कॉलम, तो मुझे इन सब में इंटरेस्ट नहीं है. तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसके लिए एक इंडेक्स फंक्शन होता है, तो इंडेक्स फंक्शन क्या करता है, आपको रो और कॉलम ऑफसेट करके डेटा दे देगा. तो बेसिकली यहाँ पे जो ये डेटा मेरा आ रहा है इसको मैं सिक्स्थ कॉलम पे जाना चाहता हूँ सिर्फ. तो उसके लिए मुझे यहाँ पे इनको बताना पड़ेगा कि मुझे रो को आप कितना ऑफसेट करिए, मतलब रो को कितना खिसकाइए और कॉलम को कितना खिसकाइए. तो रो को मुझे खिसकाने की जरूरत नहीं है, बट कॉलम आई नीड टू ऑफसेट बाई 6, तो इसलिए मैंने 6 कर दिया. तो ये देखिए यहाँ पे आपका वॉल्यूम ये पूरा डेटा आ गया. अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो डेटा पॉइंट है इसको एक सिंगल मिनिएचर चार्ट में मैं बना दूँ, तो इक्वल टू अ स्पार्क लाइन. अब स्पार्क लाइन का डेटा तो ये हो गया, अब स्पार्क लाइन में मैं कॉलम चार्ट बनाना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं ये यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और इसको कॉलम कर दे रहा हूँ और इसको मैं लॉक कर दे रहा हूँ. तो ये देखिए ये आपका चार्ट आ गया, साथ ही ये अब डायनेमिक भी है. सॉरी ये डायनेमिक नहीं है क्योंकि ये जो है ये मैंने ये इसको हार्ड कोड कर रखा है, तो इसको भी हम लोग रेफरेंस कर देते हैं, इसको रेफरेंस कर देते हैं, जो जो 30 था इसको हम लोग P2 से रेफरेंस कर देते हैं. और चूंकि इसको मैं नीचे इसको ड्रैग कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं रो नंबर 2 को डॉलर साइन से लॉक कर रहा हूँ. ये 20 डेज, अगर मैं इसको 10 डेज करूँ तो ये देखिए ये आपका डायनेमिक चार्ट हो गया. अब मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देता हूँ, तो ये मेरा वॉल्यूम चार्ट तो रेडी है. अब मुझे प्राइस चार्ट इसका बनाना है, तो प्राइस चार्ट के लिए भी कुछ नहीं करना है, एक बार अपन सेम ही फंक्शन का यूज कर लेंगे, बस इसकी ऑफसेटिंग थोड़ी सी देखनी पड़ेगी क्योंकि वॉल्यूम 6 में आ रहा था, प्राइस किस में आ रहा था. हाँ,
ये जो डायनेमिज्म जो हमने इसमें बिल्ड किया है, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा, तो इसमें जो लाइक कंट्रोल है कि आपको कितने दिन का चार्ट चाहिए, दैट कंट्रोल इज इन पी टू सेल। इफ आई वॉन्ट 20 इट विल गिव अस 20, इफ आई वॉन्ट 10 इट विल गिव अस 10, तो दैट कंट्रोल इज इन पी टू सेल। बट अब मैं जो कंट्रोल है उसका कंट्रोल मैं क्यूबन में कर रहा हूँ, तो लेट से मैं यहाँ पे 20 लिख रहा हूँ और यहाँ पे जो है इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूँ इक्वल टू कॉनकैटनेट दिस इनटू, और ये प्राइस चार्ट, एज प्राइस चार्ट। तो अब ये जो कंट्रोल है वो ऊपर चला गया है, तो जैसे ही मैंने इसको 30 किया 30 हो गया, 15 किया तो ये 15 हो गया। अब इसके हिसाब से मैं ये बना लेता हूँ, बस एक बार मैं ये देख लेता हूँ कि ये जो हमने फंक्शन लिखा था इसमें प्राइस कौन से कॉलम में आ रहा था। तो प्राइस मीन्स क्लोजिंग प्राइस, राइट? तो क्लोजिंग प्राइस इज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो इस फॉर्मूले में बस अपने को ऑफसेटिंग 5 करनी पड़ेगी और ये जो हमने रेफरेंसिंग कर रखा है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो ये इसके जगह ये हमने 5 कर दिया और P2 के जगह इसको मैं Q1 ये कर रहा हूँ, और ये देखिए ये डायनेमिक भी है। तो आपको जो भी मेथड लगे आप ये दोनों में से या तो कस्टम नंबर वाला यूज कर लीजिए या फिर कॉनकैटनेट करके किसी दूसरे सेल से कंट्रोल करिए। सो दैट्स टोटली अप टू यू हाउ यू वांट टू बिल्ड इट। इसको मैं नीचे तक ड्रैग कर रहा हूँ तो ये हमारे पास रेडी हो गया। उसके बाद इसका कलर अगर चेंज करना है तो आप इसको सेलेक्ट करिए, यहाँ पे टेक्स्ट कलर पे जाइए, लेट्स से इफ यू वांट टू मेक इट ऑरेंज, इफ यू वांट टू मेक इट लेट्स से ग्रीन, तो ये आपका हो गया। उसके बाद आप ये भी कर सकते हो बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ डेटा पॉइंट्स, तो ये सारे को सेलेक्ट कर लीजिए और फॉर्मेट में जाइए, ऑल्टरनेटिव कलर्स में जाइए और इसमें जो भी आपको स्टाइल सूट करता है आप वो वाला अपने हिसाब से बना सकते हो। तो आपका ये ETF ट्रैकर रेडी हो गया। मैं एक सीरीज ऑफ वीडियो बना रहा हूँ जिसमें कि कैसे आप शेयर मार्केट में गूगल शीट का यूज कर सकते हो, जिसमें मैंने बात करी है कि कैसे आप म्यूचुअल फंड को ट्रैक करने के लिए गूगल शीट का यूज कर सकते हो, कैसे आप शेयर को ट्रैक करने के लिए यूज कर सकते हो, कैसे आप ऑप्शन चेन के डेटा के लिए गूगल शीट का यूज कर सकते हो, कैसे ट्रेड जर्नल बना सकते हो, एटसेट्रा। तो इन सब के लिए प्लेलिस्ट ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। तो मिलता हूँ मैं आपको इन वीडियोज में। यू गाइस बाय।